यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गाइडलाइन के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों से कृषि में बीएससी करने वाले छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। गाइडलाइन के मुताबिक निजी विश्वविद्यालय या कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने वाले छात्रों को पीजी के एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक फैसले ने कृषि की पढ़ाई कर रहे उन हजारों छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका दी है जिन्होंने निजी विश्वविद्यालय या कॉलेज से चार साल तक लाखों रुपए की फीस देकर कृषि में बीएससी की और अब सरकारी संस्थानों में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना चाहते हैं। ऐसे निजी विश्वविद्यालय जो आईसीएआर से एफिलिएटेड नहीं है, इन संस्थानों से एग्रीकल्चर में बीएससी करने वाले छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सकेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम की जरूरी शर्तों में कई निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज आईसीएआर के मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए। आईसीएआर ने तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उस पर बैन लगाने के लिए सभी राज्य मतलब जितने भी देश की यूनिवर्सिटियां हैं उन सबको लिख दिया है कि भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ना लिया जाए, लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी राजस्थान में परमिशन दी है 16 स्टेट यूनिवर्सिटीज को, उसमें लगभग 1680 बच्चों की परमिशन दी गई है और उन 1680 बच्चों को हम जेट के थ्रू एडमिशन देंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर पूरे देश में कृषि पर होने वाले अनुसंधान, पढ़ाई, कृषि के लिए पॉलिसी और दिशा निर्देश बनाता है। कृषि विश्वविद्यालयों को आईसीएआर से राज्य कृषि अनुसंधान को फंड मिलता है जबकि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन है। ऐसे में विश्वविद्यालयों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया। आईसीएआर ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत गाइडलाइन जारी की है जिसमें बताया गया है कि जो संस्थान आईसीएआर से एग्रीगेटेड नहीं है वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री किए हुए बच्चों को पीजी कोर्स के लिए अपात्र माना है। ये नियम फिलहाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में लागू हो चुका है, लेकिन अब राजस्थान के वैसे बच्चे जो कृषि में अपने भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईसीएआर ने अभी मना कर दिया है कि हम किसी भी ऐसे स्टूडेंट को हम एडमिशन नहीं देंगे पीजी में या पीएचडी में जिनकी डिग्री है वो आईसीएआर के उससे क्रेडिटेड नहीं है। सरकार को इस संदर्भ में जल्दी ही एक डिसीजन लेना चाहिए बच्चों के सुखद भविष्य के लिए। छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय में आईसीएआर के मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जाता है। आईसीएआर की गाइडलाइन राजस्थान के विश्वविद्यालयों में भी लागू करने के लिए जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर हाईकोर्ट जाएंगे और इसमें एक जो गुजरात सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट राजस्थान में भी करवाएंगे ताकि जो हजारों बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना। निजी कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आधुनिक प्रयोगशाला, योग्य टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी होती है जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। सवाल यह है कि अगर इस तरह के कॉलेज या विश्वविद्यालय आईसीएआर के मापदंडों के बिना धड़ल्ले से चल रहे हैं तो ये किसकी गलती है? आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मुकेश सोनी, जी मीडिया, कोटा।